नमस्कार दोस्तों, पूनम की झटपट रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इंस्टेंट आलू का चिप्स बनाना सिखाऊंगी। ये चिप्स बनाने के लिए ना इसे आपको उबालने की जरूरत है और ना ही धूप में सुखाने का कोई झंझट है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि आलू का चिप्स बनाने के लिए हमें किन किन सामग्रियों का प्रयोग करना है। इसके लिए सबसे पहले मैंने 5 आलू लिया है मीडियम साइज का और उसके छिलके को उतार कर मैंने इसे इस तरह से स्लाइस कर लिया है। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए, ये इस तरह से, और इसे पानी में इस तरह से डाल देना है। देखिए, और इसके बाद इसे अच्छे तरीके से धोकर इसका स्टार्च इस तरह से निकाल लेना है। और अब मैं इसे फिर एक बार पानी में डालूंगी। 1 चम्मच इसमें मैं नमक को डाल रही हूं और इसमें आलू को इस तरह से मैं डाल दूंगी। ये देखिए, इस तरह से आलू को डाल देना है। ये बनाना बहुत ही आसान है और बिल्कुल बाजार के जैसा ये बनेगा। तो चलिए मसालों में देखते हैं कि चिप्स में क्या क्या डालना है। इसके लिए मैंने काली मिर्च लिया है, लाल मिर्च, काला नमक और ये चाट मसाला। और नमक के पानी में डालने के बाद इसे इस तरह से निकाल लेना है प्लेट में। ये देखिए, इस तरह से प्लेट में इस तरह निकाल लेंगे। ये मैंने इस तरह से निकाल लिया है और अब मैं इस तरह से तौलिया बिछाकर मैं आलू को इस तरह से फैला दूंगी। ये देखिए, इसका पानी बिल्कुल हमें सुखा लेना है। इसका पानी जब सूख जाएगा तब मैं इसे डीप फ्राई करूंगी। ये देखिए, आलू बिल्कुल सूख चुका है, इसमें पानी का अंश बिल्कुल नहीं है। ये देखिए, और अब मैं इसे इस तरह से प्लेट में निकाल लूंगी। ये देखिए, इस तरह से डाल लूंगी और फिर इसे डीप फ्राई कर लेना है। तेल हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है और तेल बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए, इसे हाई पर मैंने कर दिया है। और अब एक एक कर मैं इस तरह से चिप्स को डालूंगी। ये हमारा इंस्टेंट आलू का चिप्स, ना उबालने की जरूरत है ना इसे आपको धूप में सुखाने की आवश्यकता है। इस तरह से चिप्स बिल्कुल तैयार हो चुका है, एकदम करारा, और इसे प्लेट में इस तरह से निकाल लूंगी और ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से मैं सभी चिप्स को तल लूंगी। दोस्तों, मैंने सभी चिप्स को इस तरह से तल लिया है और अब मैं चिप्स के ऊपर मसालों को स्प्रिंकल करूंगी। तो पहले मैं ये दिखाती हूँ कि ये देखिए कितना करारा चिप्स हमारा बना है, बिल्कुल बाजार के जैसा। सबसे पहले मैं इसमें
चाट मसाला, काली मिर्च, लाल मिर्च और काला नमक को इस तरह से डाल दूंगी। ये हमारा इंस्टेंट चिप्स बनकर बिल्कुल तैयार है। दोस्तों आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, इसे बनाइए, खाइए और हमें बताइए कि आपको ये कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।